हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे टेक्स्ट एनिमेशन। ये है हमारी आज की एनिमेशन। इसको आप अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे तो एनिमेटेड वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। हर एक आपको एनिमेशन आनी चाहिए, तो ये वाली टेक्स्ट एनिमेशन है जो आजकल ज्यादा यूज होती है। चलिए कि इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ये चेंज होता ही रहेगा, ऑटोमेटिकली स्लाइड हो रहा है टेक्स्ट। इसको हटा देते हैं कोड को। यहाँ पे सबसे पहले देख लो, एक आप कोई भी टैग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे हेडर लगा देती हूँ, जरूरी नहीं आपने हेडर ही लेना है। डिव लगा दो, आप कोई फिगर टैग लगा दो, सेक्शन लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें एक लिस्ट बनाओ जो जो आपने टेक्स्ट, ये सिर्फ उसी चीज के लिए हम बनाएंगे जो हमने हाईलाइट करना है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। आप कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, वो आप लिख दो। कौन कौन से आपके टीम मेंबर है, या फिर वो लिख दो। कुछ हाईलाइट जो हमारे पास टेक्स्ट होता है, बस उसी को हम यूज करेंगे, जो कुछ थोड़ा ही होता है टेक्स्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे यूएल टैग लिखो, लिस्ट बनाएंगे जहाँ पे इसको क्लास ऐड कर दो, कोई भी नाम दे दो, कुछ भी दे दो, यही लिख लेते हैं टी टेक्स्ट। तो जहाँ पे एल आई टैग पे लिखो क्या आपने लिखना है, तो आप टेक्स्ट लिख दो कोई भी, क्या लिखे, मैं CSS से लिख देती हूँ। एक कितने लिखने हैं, 2 3 4 5 लिख देते हैं। एक CSS हो जाए, एक जावा स्क्रिप्ट, HTML, इधर रिएक्ट लिख देते हैं, इधर ये क्यों भी लिख देते हैं। चलिए ये हो गए हमारे टेक्स्ट जो जो आप ऐड करना चाहते हैं। तो ये आ गई हमारे पास एक लिस्ट। यहाँ पे लगाओ स्टाइल टैग। सबसे पहले हम लगा देते हैं अपना कोड। इसको आपने अगर सेंटर में लेके आना है, मार्जिन वगैरह 0 कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में कर दो, फॉन्ट वेट भी लिख दो तो वो बोल्ड हो जाएगा, 600 तक लिख देते हैं। कलर आप लिख दो इसका, ये वाला कलर है तो इसके लिए मैं बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर देती हूँ। ये आ गया सेंटर में। चलिए ओवरफ्लो इसका हाइड कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमने हेडर लगाया हुआ है, हेडर का मार्जिन वगैरह इसको आप सेट कर सकते हैं, मैं इतना रख देती हूँ। ऑटो तो वो सेंटर में हो जाएगा, ऊपर से हमने मार्जिन ऐड कर दिया, साथ में लिख दिया ऑटो। ऑटो होता है सेंटर में लाने के लिए। हाइट इसकी रख दो, कितनी रखनी है वो आपकी मर्जी है। हाइट साथ में विड्थ भी रख दो, इसकी विड्थ 100% रहेगी। ओवरफ्लो इसका हाइड कर दो, तो इधर जो भी था वो सारा हाइड हो गया। सिर्फ इतने अब हाइट देखो, अब जहां पर आपकी मर्जी है कितने एरिया में आपको वो टेक्स्ट चाहिए। मैंने जहां पे हाइट इतनी रखी हुई है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं तो आपको ज्यादा टेक्स्ट नजर आएगा, ठीक है। अब इसकी हाइट सिर्फ इतनी ही है, तो यहाँ पर हो गया एड। विड्थ इसकी 100% ही रहेगी। जो हमने यूएल टैग लिया है उसके अंदर जो एलआई टैग है, दोनों के ऊपर जो कोट लग जाए, दोनों की हाइट आप इतनी रख दो, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मार्जिन इसका 0 पिक्सल रहेगा, पैडिंग 0 पिक्सल। अब देखो वो जो एक्स्ट्रा था सब कुछ हट गया, इधर से भी सब कुछ हट गया। उसके बाद इसकी विड्थ 100% कर दो, वैसे तो 100 ही है। चलिए अब एलआई जो हमने लिखा हुआ है, मतलब एलआई टैग में जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको हम डिजाइन करेंगे। लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे नन कर दो, तो वो जो उसमें डॉट थे ना वो सारे हट जाएंगे, तो कुछ भी नहीं नजर आएगा। मार्जिन इसका 0 पिक्सल, 0, सिर्फ एक तरफ से हम मार्जिन ऐड करेंगे, बाकी सब 0 कर दो। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से हमने करना होता है। हाइट इसकी रख दो, अब इतनी आ गई, इतने एरिया में हाइट आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इम्पोर्टेंट,
तो वो एक्स्ट्रा है, इसको हम अगर जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, रहने दो इसको। पैडिंग इसकी ऐड करो, 0 0 0 लिख दो तो सारी पैडिंग हट जाएगी। 0 0 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पिक्सल में लिखनी है पिक्सल में लिख दो, सारी पैडिंग जो भी होगी वो सारी हट जाएगी। अब फॉन्ट साइज ऐड करो, फॉन्ट साइज इतना रख देते हैं, इतना सही है। फॉन्ट साइज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस में कर दो, जो भी लिखा होगा, वैसे तो मैंने अपर केस में लिखा है, फिर भी लोअर केस में होगा तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी विड्थ 100% रहेगी, जितना हमारे पास एरिया है उतने में ही रहेगा। अब जो हमने टी नाम की वो क्लास लगाई थी, एनिमेशन नेम, एनिमेशन का नाम रख दो कोई, क्लिप रख देते हैं एनिमेशन क्लिप। 5 सेकंड टाइम रहेगा इसका, इजी इन आउट मेथड रहेगा, इनफाइनाइट वो मूव होता रहेगा। टी यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट टी पे लगाना है, तो कैसे लगानी है एनिमेशन देखो, की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम क्या है फ्लिप, टेक्स्ट कैसे मूव होना है, 0% 20% पे ट्रांसफॉर्म कर दो, सिर्फ हमने ट्रांसलेट करना है, कितना आपकी मर्जी है। 0 पिक्सल एक तरफ से, इसके बाद माइनस में कर दो इतना, एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, तो वो टेक्स्ट मूव होने लग गया। ठीक है, मूव होना स्टार्ट हो गया, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये है हमारा बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये है बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, तो हमने सिर्फ और सिर्फ मूव करना है टेक्स्ट अपर टू, ठीक है, या तो टॉप या फिर बॉटम की तरफ, इसलिए हमने इसको 0 कर दिया। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे ही नहीं होगा, कॉपी करो पेस्ट, उसके बाद 20% पे जब होगा और साथ में लिख दो 40%, तब हम इसकी वैल्यू कम कर देंगे। माइनस में लिखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, प्लस में लिखेंगे तो जो वो नीचे की तरफ आएगा। अगर मैं इसे को प्लस कर दूं, देखो गायब हो गया, इसलिए मैंने माइनस लिखा था, माइनस ही ओके है। 40% पे हो गया कॉपी पेस्ट, 40% और 60% में जब आएगा इसकी वैल्यू और कम कर दो, 6 कर दो, ये आ गया नेक्स्ट, 60 हो गया। उसके बाद 60 to 80 कर दो, मतलब जो मर्जी लिखते जाओ ऐड करते जाओ अपने आप वो वर्क करता जाएगा। इसकी वैल्यू और कम कर दो, इससे हाफ कर दो, वैसे तो अभी भी बन चुका है, सब कंप्लीट है, फिर भी हम इसको 100% कर देते हैं, नहीं तो वो बीच में ही रुक जाएगा। 80 से लेके 100 तक कर दो कंप्लीट, माइनस इसको अब हम 0 में ले चलते हैं, -0 पॉइंट कुछ कर दो, इतना कर दो, ये हो गई एनिमेशन कंप्लीट। इसकी आप हाइट थोड़ी बहुत और इंक्रीज कर सकते हैं, हाइट हमने रखी थी, अगर इसको 2 कर दे, एल आई की हाइट है ये, हाइट इधर आएगी ये वाली, अगर इसको 3 कर दे अब सही है, तो अब 2 नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ओके है, इतनी वो दूसरा टेक्स्ट हाफ नजर आ रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी है कितनी हाइट रखनी है, तो इधर ऊपर आप कोई आप हेडिंग लिख दो, आवर सर्विसेज या फिर कुछ भी लिख दो कि हम कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे कौन कौन से टीम मेंबर हैं, कुछ भी लिख दो, तो जहाँ पर ये स्लाइड होता रहेगा, जो हाइट आप कम कर देना, हाइट इतनी ओके है, नहीं तो वो दूसरा टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है सामने से, वो नजर नहीं आना चाहिए, अब सही है, इतनी सही है बस हाइट है। ठीक है, इधर साथ में आप ऊपर इसके कोई हेडिंग लिख दो तो एनिमेटेड टेक्स्ट हो जाएगा रेडी। ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।